हेलो फ्रेंड्स, आशूस कुकिंग मैजिक में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए मलाई कोफ्ते की रेसिपी लेके आई हूँ और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की बनेगी, बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस। और बस आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का फॉलो करना है जिससे कि आपकी ये रेसिपी बहुत लाजवाब बनेगी। तो चलिए इस मज़ेदार, इस डिलीशियस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। एक कोफ्ता बनाने की शुरुआत हम ग्रेवी से करते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए हमने एक पैन को गैस पे गरम किया, उसके बाद उसमें हमने एक चम्मच ऑयल और चार चम्मच बटर डाला। इसको हम गरम करेंगे, बटर को हम मेल्ट करेंगे। बटर जब मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे 2 तेज़पत्ता, 1 इंच के करीब हम दालचीनी डालेंगे, बड़ी इलायची 1, लौंग हम डालेंगे 4, और इसके बाद हम डालेंगे 3 छोटी इलायची और 1 चम्मच के करीब सहजीरा। अगर आपके पास सहजीरा नहीं है तो आप नॉर्मल जीरा भी डाल सकते हैं। इनको हम फ्राई करेंगे। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, खड़े मसाले मैंने आपको जितने बताए हैं आप इतना ही डालिएगा, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत डालिएगा, नहीं तो आपकी ग्रेवी कड़वी हो जाएगी। यहाँ पे हम डाल रहे हैं लार्ज साइज़ का एक बड़ा प्याज, जिसको कि हमने ऐसे लंबा लंबा काट लिया है। प्याज को आप किसी भी शेप में काट लें। इसको हम सौते करेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पर हमारी फ्लेम मीडियम है और हम प्याज को फ्राई कर रहे हैं। इसके बाद हमने 3 हरी मिर्च ऐसे मोटी मोटी काट लिए, डाल दिए। 1 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा, जिसको कि हमने ऐसे रफली चॉप कर दिया है, और 6 से 8 लहसुन की कलियां, जिसको हमने रफली चॉप कर दिया है। अब हम इन सारी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पे ऐसे सौते करेंगे, क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है तो हमें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। तो इस तरह से बस हम इनको फ्राई करेंगे, इनका कच्चापन हमें बस हटाना है। तो देखिए यहाँ पर प्याज का कलर चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो प्याज का कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पे हम गैस का फ्लेम करेंगे लो, क्योंकि अब हम डालेंगे इसमें ड्राई मसाले। 1/2 चम्मच हल्दी डाली हमने। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर, और हम इसमें डालेंगे अब जीरा पाउडर, और हम डालेंगे इसके बाद लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। इन सारे मसालों को हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। फ्लेम हमारी यहाँ पे लो होनी चाहिए, नहीं तो ये ड्राई मसाले जल जाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, मसाले जब जल जाते हैं तो ग्रेवी डार्क कलर की बनेगी, तो हमें वैसी ग्रेवी नहीं चाहिए। इन छोटी छोटी टिप्स का आप विशेष ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बताती जा रही हूँ, इनको आप ऐसे ही फॉलो करिएगा जैसा मैं आपको बता रही हूँ। अब हम यहाँ डाल देंगे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, बिल्कुल लाल टमाटर मैंने यूज़ किए हैं। इन मसालों के साथ हम टमाटर को मिला देंगे, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। आप जितना नमक खाना पसंद करते हो आप थोड़ा सा नमक मिला दें, जिस हिसाब से आप खाते हो। नमक को हमने इसमें मिला दिया, और मिलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमें जो है ना ग्रेवी चाहिए अच्छी, मतलब थोड़ी सी इसकी ग्रेवी जो बनती है वो बहुत सूखी सूखी ग्रेवी नहीं बनती, तो इसलिए हमने इसमें पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद मैं इसमें 1 मुट्ठी काजू, करीब 10 से 12 काजू आते हैं, वो डाल दिया। काजू को इनमें हम मिला देंगे, और इसके बाद हम इन मसालों को पकने देंगे 5 मिनट लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे हम फ्लेम को करेंगे लो और इसको हम पकने देंगे। तब तक हम चलते हैं कोफ्ते बनाने की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 3 छोटे आलू लिए हैं, आप देख सकते हैं। आप 2 मीडियम साइज़ के आलू लीजिएगा, और आलू बिल्कुल ठंडे होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप मैं आपको बता रही हूँ। गर्म आलू के कोफ्ते मत बनाइएगा। आलू यहाँ पर हमने ग्रेट कर लिया है। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम के करीब पनीर लिया है, ग्रेटेड पनीर, इसको भी हमने कद्दूकस कर लिया है। और इसमें अब हम डालेंगे, इसमें हम हरी मिर्च और अदरक डालेंगे। हरी मिर्च और अदरक खूब अच्छे से डालिएगा, उससे कोफ्ते बहुत टेस्टी बनते हैं। ये बहुत मेन इंग्रेडिएंट है कोफ्तों के लिए। अब हम डालेंगे हरी धनिया के पत्ते 2 टेबल स्पून चॉप्ड किए हुए। इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, कोफ्तों में वो जैसे कि फीकापन ना लगे तो हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, ठीक है, कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, इससे बाइंडिंग अच्छी होगी। अब इन सारे मिक्सचर को हम अच्छे से मिला देंगे, और मिला के हम इसको एक डो के फॉर्म में तैयार कर देंगे, जैसे कि हम आटे का डो लगाते हैं, उस तरह से अब हम इसको पूरा इकट्ठा कर लेंगे एक तरफ। तो यहाँ पे मैं आपको 2 तरह से कोफ्ते बनाना बताऊँगी, एक तो स्टफिंग वाले जो आप थोड़े स्पेशल ओकेज़न पे बना सकते हैं, एक में आपको सिंपल जो आप फटाफट बना सकते हैं। तो यहाँ पे डो तैयार हो गया, इस तरह से हमने एक पेड़ा बना लिया, और उसको हम चपटा करेंगे इस तरह से बीच में। चपटा करने के बाद हम इसमें करेंगे काजू के टुकड़े छोटे छोटे, उससे हम इसको फिल करेंगे, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ पनीर, और इसके एजेस को आपस में मिलाएंगे जैसे हम आलू का पराठा भरते हैं, उस तरह से भर के इसको बिल्कुल चिकना चिकना सा गोल कर लेंगे। तो देखिए इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमने एक गोल बना लिया,
दूसरा अब हम बनाएंगे इसी तरह से। मैं आपको एक और स्टफिंग करके दिखाती हूँ, एक कोफ्ता बना के आपको दिखाती हूँ भर के कि कैसे हम भरते हैं। इस तरह से हम इसको चपटा कर लेंगे और इसके बाद हम इसके बीच में काजू भर देंगे थोड़ा सा, ज़रा सा, और थोड़ा सा हम पनीर लेके इसमें रख देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से दबा के और इसको हम ऐसे ऊपर के एजेस को मिला देंगे आपस में और फिर इसका हम एक गोला बना लेंगे। थोड़ा सा आपको अपने हाथ से इसको सेट करना पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से ये सेट हो गया और देखिए बिल्कुल बॉल की तरह बन गया। तो ये दो कोफ्ते हमारे स्टफिंग वाले बन गए। अब हम जो बाकी जो ये बचा है इसमें अब हम सारा काजू के टुकड़े मिला देंगे। ठीक है, आप इस तरह से भी कोफ्ते बना सकते हैं। तो इसमें हमने पूरे काजू के टुकड़े मिला दिए और थोड़ा सा पनीर हम बढ़ा देंगे, 2 चम्मच के करीब कद्दूकस किया हुआ पनीर हम इसमें मिला देंगे और इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिला के खूब बढ़िया सा डो तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से आपका जल्दी कोफ्ता बन जाएगा और इससे आप किसी भी तरह का जो भी आपको शेप पसंद है कोफ्ते का, वो शेप दे के कोफ्ते बना सकते हैं। आपको अगर लंबा लंबा पसंद है तो लंबा लंबा बनाइए, नहीं तो गोल पसंद है कोफ्ते तो गोल बनाइए। बस इनको थोड़ा सा हाथ से ऐसे दबा दबा के पहले इनको चिकना कर लीजिए और फिर जो आपको शेप देना हो आप वैसा शेप दे दीजिए। मैं यहाँ पे गोल बना रही हूँ। तो इस तरह से अब बाकी जो बचा हुआ है ये मसाला है, हम सबके कोफ्ते बना लेंगे गोल शेप में और बिल्कुल चिकनी चिकने हम कोफ्ते बनाएंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये सारे कोफ्ते बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये तलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इनको तलने से पहले हम एक बार ज़रा ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अभी टमाटर थोड़े कम गले हैं तो इनको 2 मिनट के लिए मैं ढक के और पकाऊंगी लो फ्लेम पे, तब तक हम इनको फ्राई कर लेते हैं कोफ्तों को। तो हमने एक तरफ कढ़ाई में ऑयल चढ़ा दिया है और इसमें हम एक एक करके कोफ्ते डालेंगे बहुत आराम से। इकट्ठे हम सारे कोफ्ते नहीं तलेंगे, बहुत कम कम तलिए। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 3 कोफ्तों को एक साथ तल रही हूँ और तलते वक्त बहुत आपको विशेष ध्यान देना इस बात का कि डालते ही आप इनको छेड़िएगा नहीं, इनको थोड़ी देर थोड़ा सा इनका कलर चेंज होने दीजिएगा। ठीक है, कोफ्तों को बिल्कुल भी टच मत करिएगा। जब इनका कलर चेंज हो जाएगा तब आप इनको उल्टा पलटी यानी कि फ्लिप करिए। तो देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो गया, हम इनको पलट रहे हैं बहुत आहिस्ते और इसके बाद इनका जैसे ही कलर थोड़ा सा डार्क होगा इनको हम तल के बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कोफ्ते बहुत अच्छे कलर आ चुका है इनका सुनहरा। इसी तरह से हम सारे कोफ्तों को तल के निकाल लेंगे और ये बहुत सॉफ्ट है तो इनको कम प्रेस करिएगा। देखिए कितने डिलीशियस लग रहे हैं, कितने टेस्टी लग रहे हैं देखने से ये कोफ्ते बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम ग्रेवी को चेक कर लेते हैं ग्रेवी कैसी है। तो आप देख सकते हैं टमाटर और काजू गल गए हैं। यहाँ पे गैस का फ्लेम हम करेंगे बंद और हम इसमें से तेज पत्ते को हटा देंगे। तो इन सारे मसालों को अब हम ठंडा करके एक ग्राइंडर में डाल देंगे और ठंडा करके इनको पीसिएगा। ठीक है, तो ये देखिए अब हम इसको पीस लेते हैं। तो इस तरह का पेस्ट बन के तैयार हो गया। इसको अब हम एक छन्नी की हेल्प से छान लेंगे क्योंकि इसमें खड़े मसाले लंबे लंबे रेशे हैं। तो थोड़ा सा पानी भी डालेंगे हम, पानी डाल के हम इसको अच्छे से छान लेंगे। तो छानने के बाद ये देखिए इस तरह का इसमें से ये रेशे निकले हैं तो इनको हम साइड कर देंगे और हमारी इस तरह की प्यूरी बनके तैयार हो गई। तो अब हम एक पैन 1 चम्मच बटर डाल के तुरंत हम उसमें ग्रेवी डाल देंगे। ग्रेवी को अब हम यहाँ पर लो फ्लेम पर हम इसमें बनाएंगे और इसमें हमने 1/2 कप पानी डाल दिया है क्योंकि ग्रेवी बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून के करीब क्रीम डाल देंगे। आप बाहर की भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं अमूल की, मैंने घर की मलाई यूज़ की है 2 चम्मच बड़े, तो उसको मिला दिया। इसके बाद हमने 1/2 चम्मच के करीब कसूरी मेथी को क्रश करके डाल दिया है, इसको भी हम अच्छे से मिला देंगे। इसके बाद मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बता रही हूँ, 1/2 चम्मच चीनी ज़रूर डालिएगा ग्रेवी में, यही कोफ्ते की जान है, इसी से फ्लेवर आएगा अच्छा। थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, बहुत ज़रा सा नमक। इन सारी चीज़ों को हम मिला के लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। तो 2 मिनट के बाद देखिए ये ग्रेवी बहुत बढ़िया तैयार हो गई है बहुत अच्छे से। अब हम इसको सर्व करने चलते हैं। तो सर्व करने का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि कोफ्तों को कभी भी ग्रेवी के साथ आपको बॉयल नहीं करना है। जब आपको सर्व करना हो या खाना हो तो इस तरह से कोफ्तों को प्लेट में रखिए और उसके ऊपर से ग्रेवी को डालिए। ये है मलाई कोफ्ते का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। कभी भी कोफ्तों को बॉयल मत करिएगा वरना कोफ्ते मेल्ट होके टूट जाएंगे क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। अब हम इसके ऊपर मलाई से क्रीम से गार्निश कर देंगे और फिर उसके बाद हरी धनिया से भी इसको सजा देंगे। तो यहाँ पे हमारा मलाई कोफ्ता बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप भी सेम इसी मेथड के साथ बनाइएगा और फिर अपना अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आप लोगों ने देखा मलाई कोफ्ता बनाना कितना आसान है, बस 2-3 टिप्स को आपको फॉलो करना है, आपका मलाई कोफ्ता बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का बनेगा।
तो आप भी बिल्कुल सेम इसी मेथड के साथ इस रेसिपी को बनाइएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, उससे आपको मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।